जय साई राम दोस्तों, प्रियंका गुप्ता के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और भले चंगे होंगे। और प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलना और बेल आइकन बटन को ज़रूर बजा देना। अभी जस्ट 11 बज रहे हैं और अभी मैंने वीडियो स्टार्टिंग किया है। और चलो आज हम बताते हैं कि आपको मैं क्या बनाऊंगी और क्या रेसिपी शेयर करूंगी और आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ हमने कि फिर अपना रूटीन शेयर करूंगी। और ये मैंने भंडारी की सब्ज़ी बनाई हुई थी बुधवार के दिन, मैंने उस दिन ये रेसिपी नहीं दी थी, मैं आज दे रही हूँ और बुधवार का ही ये रूटीन है। और मैंने रात के समय क्या बनाया था डिनर में और ये लंच का है। तो चलो अब हमें आपको भंडारी वाली आलू की सब्ज़ी बनाना बताए थे, मैं किस तरह से बनाती हूँ हम अपना तरीका बताते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं उस किसी और का या भंडारी जैसा ही मैं परफेक्ट बना लेती हूँ, जैसा मैं बनाती हूँ वो मैं तरीका आपके लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने आलू को बॉयल कर ठंडा कर और छील कर और फोड़ कर एक साइड रख लिया है। फिर एक कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल लिया, उसमें अदरक मिर्च जीरा थोड़े से धनिया डाली है। फिर उसमें मैंने टमाटर डाले हैं, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो उसमें मैंने हल्दी धनिया मिर्च डाली है। फिर मिलाना है, फिर उसमें आपको बॉयल की हुई आलू को डाल देना है और मिला लेना है। फिर एक मिनट तक भूनना है, फिर आपको जितना आपको पानी चाहिए उतना आप पानी डाल देना, मतलब ग्रेवी चाहिए, फिर आपको मिला लेना है। फिर उसमें गरम मसाला डाल देना है। यहाँ पर मैं फिर 1-5 मिनट तक अच्छे तक सब्ज़ी को पका लेना, फिर हरा धनिया मिला देना। ये भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। यहाँ मैंने अमचूर नहीं डाला है क्योंकि मुझे माता रानी का प्रसाद लगाना था, इसलिए मैंने अमचूर का प्रयोग नहीं किया है। आप लोग खटाई डाल सकते हो, नींबू या अमचूर मिला सकते हो। यहाँ पर मैंने पूड़ी भी बनाई हुई थी उस दिन, तो ये मुझे माता रानी का प्रसाद लगाना था इसलिए मैंने यहाँ पर भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई हुई है। और बनाकर मेरा बेटा है जिस थोड़ी प्रेगनेंसी मेरी थोड़ी गड़बड़ रही थी ना, इसके वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम से हुआ था, इसका बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरा बेटा 6.5 महीने में ही हो गया था और मेरे बेटे मतलब 1.5 महीना वो हॉस्पिटल में भी रहा है और 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में उसका इलाज होता रहा। और तो अभी कोरोना आ गया है ना, तो इसमें तो मैं कहीं ले भी नहीं जा सकती हूँ। मैं साल भर से उसकी सेफ्टी और कर रही हूँ तो और ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो डर लगता है कि कोरोना आ गया है, कितनी परेशानी है। और दूर हो घर से तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं है घर में, तो दूर में तो और चिंता होती है। इसलिए दूसरी रेसिपी आलू टमाटर का भरता। अब शाम का समय हो गया है और मैंने संजावाती कर और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो उसमें मैं क्या बना रही हूँ डिनर में आपके साथ रूटीन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आलू और टमाटर का भरता बना रही हूँ, ये खाने बड़ा स्वादिष्ट लगता है। 4 रोटी के जगह आपको 5 रोटी आराम से खा जाओगे। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया, उसको सेंक लिया, बॉयल आलू है और उसको मैंने फोड़ लिया है। बॉयल आलू को एक बर्तन में लेना है, उसको बारीक फोड़ लेना है। सिका हुआ टमाटर को छीलकर उसको भी बारीक कर लेना, उसी में फिर उसमें धनिया मिर्च और प्याज को डालना है। फिर जीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और काला नमक, लाल मिर्च और पानी डालकर आपको मिला लेना है। फिर जितना आपको पानी चाहिए उतना मिला सकते हो, आपको सूखा खाना तो सूखा भी खा सकते हो। उसमें आपको नींबू डाल देना है, नींबू नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हो। ये आलू टमाटर का भरता बनकर तैयार है, खाने बड़ा स्वादिष्ट लगता है। जो नहीं बनाता हो तो ज़रूर बनाकर खाना और जो बनाता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पर मैंने रोटियों का आटा लगा लिया है और रोटियाँ
मुझे सेकनी थी, तो मैं रोटी का आटा लगाकर रोटी बेलकर तवा पर हम सेकते जा रहे हूँ, हस्बैंड और बच्चे को देते जा रहे हैं। और क्या कि बर्ते से गरम गरम रोटी खाओ ना तो खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। और यहाँ पर रोटियाँ बन गई हैं और मैंने यहाँ पर मेरी रोटियाँ सिक जाने के बाद फिर मैं खाना खाऊँगी और जो भी काम है तो वो काम करेंगे। बाकी जो रेसिपी मैंने बताई है जो वो कल की है, आलू की सब्ज़ी और भरता की, और दोपहर के समय मैंने कपड़े धोए थे और यहाँ पर मेरा बच्चा खेल रहा है। आज का ब्लॉग यहीं तक का था दोस्तों, अगले ब्लॉग में जल्द मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों। और चलो, अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, कोरोना काल चल रहा है, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी कल के न्यूज़ में आपने देखा है वो नासिक में ऑक्सीजन मतलब लीक हो गई है, तो कितनी 22 लोगों की जान चली गई है। हम तो साईं बाबा से ही दुआ कर रहे हैं कि ये महामारी जल्द से जल्द जाए और सब जिसका जैसा डेली रोज का रूटीन था वही सारा रूटीन सबके साथ वापस आ जाए। और अपने अपने दोस्तों को ध्यान रख, अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और अपने घर में रहिए और सेफ्टी रहिए। ज़रूरत हो तो घर से निकलिए, नहीं हो तो अपने घर में रहिए। चलो, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। बाय बाय। प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन बटन जरूर बजा देना और इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।